युविका आपको, युविका आपको आता है 5th क्वेश्चन? सर ट्राई करके देख लेती हूँ। सफेद रक्षित, आप, आपको सफेद नंबर क्या है? मैंने अभी बुक 409। से कैसे करेंगे समझ नहीं समझ नहीं आया। नो। ओके युविका आपको आता है? सर आई एम नॉट श्योर। अच्छा चलो 7th वाला बताओ पहले, बाद में करते हैं उसको। ए एंड बी आर टू इवेंट्स सच दैट। 6 समझ आ गया था पिछली बार या नहीं आया? सामने कहा था एक बार 6 फिर से करवा दो। मैं चलो कर लेंगे, अभी हम करेंगे। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दिया है, बी दिया है, ए इंटरसेक्शन बी दिया है, तो यूनियन कैसे फाइंड करेंगे? यूनियन का फॉर्मूला तो डायरेक्ट ही होता है। पॉइंट 89, कितना? 0.89। 0.89, 0.54, 0.69 माइनस 0.35। सो 0.88, सॉरी 0.88। पॉइंट एट एट ठीक है। सेकंड पार्ट, सेकंड पार्ट प्रॉबर्टी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? दिस इज प्रॉबर्टी ऑफ ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट, दैट इज 1 माइनस प्रॉबर्टी ऑफ ए यूनियन बी, 1 माइनस 0.88। तो 1 माइनस 0.8 कितना हो गया? 0.12। थर्ड पार्ट, यूवी का इसका फॉर्मूला क्या था? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट का सर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस, रक्षित याद है यस सर। क्या हो जाएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 0.54, प्रोबेबिलिटी ऑफ 8.54 माइनस 0.35 तो 0.19। 0.19। वेरी गुड, 0.19। ओके लास्ट पार्ट और कर दो बेटे, उसमें भी सेम ही फॉर्मूला लगेगा। तो उसमें बी बी माइनस हो जाएगा ना। हाँ वेरी गुड, चलो निकाल दो आंसर। 0.34। एट्थ क्वेश्चन कैसे करेंगे?
पढ़ लो एक बार क्वेश्चन, अच्छे से रीड कर लो। प्रोबेबिलिटी के अलावा और कौन सा चैप्टर रहता है आपका? अच्छा, सो स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स। ओके, तो एट क्वेश्चन रीड कर लिया आपने। यस सर। From the employee of a company, इसका 5 person has been selected in the managing committee of the company. सर Particular the इसका फोर proper पॉइंट फाइव होगा, फोर क्या? पॉइंट फाइव एक मिनट दो बेटे। ए साइड हम क्या ले लेंगे? नेक्स्ट इसमें पूछा person is selected at random from this group as to act as a spokesperson. What is the probability that person will be either a male or above 35? तो ए इवेंट हम लेंगे, पर्सन इज ए मेल। बी इवेंट हम लेंगे, पर्सन इज अबाउट 35। ठीक है, पर्सन इज ए मेल एंड पर्सन इज अबाउट 35। ठीक है, ए सेट क्या बनेगा? पर्सन इज ए मेल, इसमें हरीश, रोहन, शीतल, अलीस, नो सॉरी, पर्सन इज मेल वाला था ना, तो हरीश रोहन अलीस नहीं सलीम। हरीश रोहन, बी इवेंट क्या है? पर्सन इज अबव 35। अबव 35 में कौन है? शीतल और शीतल एंड सलीम। ये इंटरसेक्शन भी क्या होगा, क्या आएगा इसमें? सलीम सलीम आएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या होगी? 1, 2, 3, 3/5। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या होगी? 2/5। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या होगी? 1/5। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी फाइंड करना है, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। क्या हो जाएगा? 3/5 प्लस 2/5 माइनस 1/5, 4/5। आप क्या बता रहे थे रक्षित, 4/5 या कुछ और? सर 4/5। ओके, 4/5 ही आंसर होगा। नेक्स्ट कौन बताएगा? नेक्स्ट क्वेश्चन कोई बता सकता है? सर नेक्स्ट कौन सा क्वेश्चन? नाइन्थ। नाइन्थ क्वेश्चन। सर पहले वाले, एक मिनट सर, पहले वाले में लास्ट डिजिट 5 होनी चाहिए तो वो फिक्स हो जाएगा, और बाकी 4 फैक्टोरियल हो जाएगा जिनको अरेंज करने का। नहीं, 0 फर्स्ट नंबर नहीं हो सकता। एक मिनट, How are you on? Connected. 3 into 3 into 2 into 1. 3 into. तो पहले का 18/5000 होगा। 18/5000 तो नहीं होगा। अच्छा नहीं, रेपिटेशन अलाउड है। एक मिनट, देखो इसमें कहता है कि 4 डिजिट नंबर ग्रेटर देन, यूबी का आपका पिछला हो गया बेटे,
यस सर। आपको एक नंबर बनाना है ग्रेटर देन 5000, 5000 से बड़ा। तो आप जो नंबर बना रहे हैं वो क्या होना चाहिए? 5000 से बड़ा होना चाहिए, ठीक है। ए फोर डिजिट नंबर ग्रेटर देन 5000 आर सर रेंडमली। उसका वन वन बाई टू होगा नहीं बेटा देखो समझो इसको, नहीं? ए फोर डिजिट नंबर ग्रेटर देन 5000 आर रेंडमली फॉर्म फ्रॉम द डिजिट्स 1, 2, 1, 3, 5, 1, 3, 5, 7, 0। इनको यूज करके आपको एक नंबर बनाना है ग्रेटर देन 5000। वो जितने भी नंबर बनेंगे उसमें से इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है कि नंबर विल बी डिविजिबल बाय 5। तो पहले तो हम देख लेते हैं कि नंबर कितने बनेंगे और डिविजिबल बाय 5 नंबर कितने बनेंगे। तो 5000 से बड़े टोटल नंबर कितने बनेंगे? 4 डिजिट का नंबर तो फाइव बनाना है। थाउजेंड से बड़े, इसमें हम एंडिंग विद फाइव लेंगे ना, फाइव फिक्स हो जाएगा लास्ट में। देखो मान लो आपके पास पहले 100 नंबर है, 1 से 100, जिसमें 5 से डिविजिबल क्या है 20 नंबर होते हैं। तो प्रॉबेबल आप पहले 100 में से कोई नंबर सेलेक्ट करते हैं तो वो नंबर 5 से डिविजिबल होगा। इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होती है कि 5 से डिविजिबल कितने हैं डिवाइडेड बाय टोटल कितने हैं, 20 बाई 100, 1 बाई 5। कहने का मतलब ये है कि आपको 5 से डिविजिबल नंबर भी चाहिए और टोटल नंबर कितने हैं वो भी चाहिए, तभी आप प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हो, ठीक है। तो पहले तो आपको देखना होगा कि टोटल नंबर कितने बनेंगे 5000 से बड़े, फिर आपको देखना है कि 5 से डिविजिबल कितने बनेंगे, उनमें 5 से डिविजिबल कितने होंगे। अब आपके पास 5 डिजिट है, 1, 2, 3, 4, 3, 4, 5। तो जो 10th प्लेस है उसको आप या तो 5 से फिल कर सकते हो या 7 से, सॉरी 10th नहीं है, 1, 2, 1000 प्लेस। फाइव सेवन 3 1 कुछ भी लिख सकते हैं। नहीं अच्छा आपको नहीं, नंबर ग्रेटर देन बनाना 5000। अच्छा, ओके ओके 5000 से बड़ा नंबर बनाना है तो आप या तो यहाँ 5 लिख सकते हैं या 7 लिख सकते हैं। सिर्फ टू यस वेज में सर, टू क्वेश्चन आई आप फिल कर सकते हैं और फिर रिपीटेशन उधर ऑफ फाइव। डिजिट। हाँ तो उधर फाइव, फिर फाइव और फिर 1। हाँ रिपीटेशन ऑफ डिजिट अलाउड है इसलिए आप इस पोजीशन को 5A में फिल कर सकते हो, नेक्स्ट पोजीशन को 5A में फिल कर सकते हो फाइव और फिर और फिर नेक्स्ट वन पोजीशन को 5A में। सर, वन ही तो हुआ, फाइव होना एंडिंग होना चाहिए। नहीं बेटा ये हम कर रहे हैं टोटल नंबर, टोटल अच्छा टोटल का, कितने ओके बनेंगे? तो ओके टोटल सर। आपके 240 नंबर बनेंगे, लेकिन इन नंबर्स में से एक बार यहाँ 5 आएगा, सेकंड पोजीशन पे 0, थर्ड पे 0, फोर्थ पे 0, एक नंबर 5000 भी होगा, ठीक है। हमें नंबर देखने हैं ग्रेटर देन 5000, तो 4 डिजिट नंबर्स ग्रेटर देन 5000 कितने होंगे? टोटल 250 नंबर बने थे उसमें से एक माइनस कर देंगे, 249 नंबर बनेंगे। युविका यस सर आ गया। ये समझ आ गया बेटा आपको? यस सर आ गया। अच्छा अब हम देखेंगे कि इन 5000 मतलब 249 नंबर्स में से 5 से डिविजिबल कितने हैं। 5 से डिविजिबल होने के लिए या तो यहाँ 5 होना चाहिए यूनिट्स प्लेस पे या 0 होना चाहिए, तभी नंबर 5 से डिवाइड होगा। यानी कि इस पोजीशन को आप टू वेज से फिल कर सकते हो, है ना रक्षित? ओके सर, यस। तो बाकी सब सेम ही रहेगा ना, 5 5 2। ये भी टू वेज में रहेगा क्योंकि नंबर आपको 5000 से बड़ा भी बनाना है, तो यहाँ पर या फाइव तो 5 आ सकता है या 7 आ सकता है। बाकी इस पोजीशन को आप 5 वेज में फिल कर सकते हो, फिर नेक्स्ट जो एक पोजीशन बची उसको भी 5 वेज में फिल कर सकते हो। तो टोटल कितना आ जाएगा? 100 और डिजिट नंबर, ये टोटल आ गया 100। और डिजिट नंबर ग्रेटर देन 5000 एंड डिविजिबल बाई 5, ये 100 आ गया, लेकिन इस 100 में भी एक नंबर 5000 जरूर बनेगा, है ना? और हमें देखना है 5000 से बड़े नंबर, तो 100 माइनस 1 हो जाएगा, ये 99 नंबर 5000 से स्ट्रिक्टली बड़े होंगे, ठीक है। आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी थी, नंबर इज ग्रेटर देन 5000 एंड
डीवीजी विल बाई 5, उसकी प्रोबेबिलिटी होगी 99 अपॉन 250। तो 249 नहीं होगी, सॉरी 249 आएगा। ठीक है, अब इसके सेकंड पार्ट में वहां पर रिपीटेशन अलाउड नहीं है, रिपीटेशन ऑफ डिजिट्स इज नॉट अलाउड। क्या करोगे? पहले आपको देखना है कि 5000 से बड़े कितने नंबर बनेंगे। डिजिट आपके पास वही है, 0, 1, 3, 5, 7, यही डिजिट्स हैं। ये भी का बता सकते हो कितने नंबर बनेंगे, तो कंडीशन ये है कि 5000 से बड़े। तो इसमें फर्स्ट बॉक्स में 2, फिर इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2, 48 टोटल तो फिर 48 आ जाएगा। 48 नंबर बनेंगे। रक्षित, इस 48 में 5 से डिविजिबल नंबर कितने होंगे? नहीं, रक्षित यस सर। सर लास्ट पे अभी भी 5 या 0 आ सकते हैं, तो लास्ट पे 2 ही रहेगा। रिपीटेशन ऑफ डिजिट इज नॉट अलाउड, ध्यान रखना। यस सर, तो लास्ट पे 2 आएगा। तो फर्स्ट पे बस, फर्स्ट प्लेस पे सिर्फ 7 आ सकता है। अच्छा नहीं, पर क्यों? हम तो वो कंसिडर कर रहे हैं ना। अच्छा एक मिनट, दो केस ले लो आप, सर पर दो केस लेके ओके। हाँ करो, वही दो दो, यस 2 केस। एक बार यहाँ 5 ले लो, एक बार 0 ले लो, आप ट्राई करो। तो सर पहले वाले में तो एक ही, मतलब पहले वाले बॉक्स के लिए तो एक ही पॉसिबिलिटी है ना, 7, क्योंकि 5 तो यूज हो गया। ये वन वे में फिल हो सकता है, ये 1 वे में फिल होगा, उसके बाद कितने बचते हैं? थ्री, और तो 3 और फिर दूसरा 2, ये वन। तो ये हो जाएगा 6। हाँ तो ऊपर वाला हो जाएगा 6, और फिर इस वाले में फर्स्ट के लिए 2 वेज हो जाएंगे, क्योंकि 5 7 दोनों। उसके बाद 2, थ्री नहीं हाँ 2 नहीं सर, 2 होगा ना, 2 प्लस 1 3। नहीं बेटा, एक डिजिट यहां पर यूज हो अच्छा गई, एक गया, अच्छा एक एक इधर गया। अच्छा ठीक है ठीक है, नो यूज हो गई, तो 3 तो बचे, 2 इंटू 3 इंटू 2, तो ये ट्वेल्व। 12 वेज हो जाएंगे, तो 18 अपॉन 48। नंबर, और अच्छा इसमें कोई ऐसा रिपीटेड डिजिट रिपीटेशन तो है नहीं, तो 5000 तो कोई नंबर बनेगा ही नहीं। ठीक है, यस सर, कितने होंगे? 48 नहीं, ये तो होंगे 6 प्लस 12, 18। फाइव थाउजेंड से बड़े नंबर कितने होंगे? 14। प्रोबेबिलिटी नंबर इज ग्रेटर देन 5000 एंड डिविजिबल बाई 5, कितने हो जाएंगे? ठीक है, ठीक है, थ्री बाई 8। युविका समझ आया बेटे? यस सर। आपका हो गया रक्षित? यस सर, 10th वाला ट्राई करो। टेंथ में क्या दिया है? ए नंबर लॉक ऑफ सूटकेस हैज 4 व्हील्स, सूटकेस का जो नंबर लॉक है इस पे 4 व्हील दिए हुए हैं।
है अब इस पे 0 से लेकर 9 तक डिजिट है, इस पे भी 0 टू 9 डिजिट है, तो टोटल कितने सीक्वेंस ऑफ नंबर्स आप बना सकते हो? सर 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7। युविका आपको ये समझ आए ये क्या है? यस सर। तो टोटल इतने सीक्वेंस बनेंगे, चार चार नंबर के अगर आप सीक्वेंस फिफ्टी बनाओ, 50 40 50 40 हो जाएगा। 5040। ठीक है, नेक्स्ट। अगर अच्छा, ये व्हील कितने सीक्वेंस से ओपन हो सकता है? एक एक सीक्वेंस से ओपन होगा, एक ही तो नंबर होता है जिससे ये लॉक ओपन होता है। तो तो प्रोबेबिलिटी, वन अगर अपॉन आप फिफ्टी रिटर्न ट्रायल करोगे तो आप इतने आपके सीक्वेंस बन सकते हैं, तो इतने में से एक से सिर्फ लॉक ओपन होगा, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ यस ओपनिंग सर 1/5040। ठीक है, ये आंसर होगा। नेक्स्ट क्या है, फोर्थ क्वेश्चन को देखो। फोर्थ नहीं, सॉरी, फिफ्थ क्वेश्चन। बताओ फिफ्थ में कैसे करेंगे। ये कहता है कि आउट ऑफ 100 स्टूडेंट्स, 2 सेक्शन ऑफ 40 एंड 60 आर फॉर्म्ड। इफ यू एंड योर फ्रेंड आर अमंग 100 स्टूडेंट्स, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ एंटर इनटू द सेम सेक्शन, यू बोथ एंटर टू द डिफरेंट सेक्शन। कैसे होगा? 100 100, टोटल 100 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, दो स्टूडेंट्स अलग हैं, बाकी 98 अलग हैं। युविका समझ रहे हो? यस सर। आपको एक सेक्शन बनाना है, एक 40 का और एक 60 का। 40 60 के दो 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 सेक्शंस में इन 100 स्टूडेंट्स को डिवाइड करना है। पहले केस में बोला है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट यू यू एंड योर फ्रेंड बोथ आर इन सेम सेक्शन, दोनों एक ही सेक्शन में होने चाहिए। दोनों एक ही सेक्शन में कैसे हो सकते हैं? या तो दोनों 40 वाले सेक्शन में हो या दोनों 60 वाले में हो। या दोनों 40 वाले सेक्शन में या दोनों 60 वाले में हो। 40 वाले में तो हम एक सेक्शन बनाए जिसमें 40 स्टूडेंट्स का, जिसमें दोनों स्टूडेंट्स को ले लें, तो वो क्या हो जाएगा? 2C2। ठीक है, दोनों टू स्टूडेंट्स सी को, टू टू सी टू इंटू 100 C 38 98 C 38 बाकी बचे नाइन्टी हाँ एट नाइनटी हमने एट ले लिए, इन दो में से दोनों ले लिए, तो 98 में से कितने लेंगे फिर हम? 38, थर्टी ताकि एट 40 का सेक्शन बन जाए। ठीक है, यस और फिर 60 के लिए सेम कर देंगे ना। डिवाइडेड बाई, ये तो चलो फिर 60 के लिए भी कर ही लो, या 60 का सेक्शन कितने वे से बन सकता है? 60 का सर सेक्शन टू सी टू इंटू सेम नहीं होगा 98 2C2 इन 2, इसमें से हम 58 और ले लें, 98C58, 98 टू से सी 58 टू ठीक है अच्छा डिवाइडेड बाई, ये तो हो गया टोटल नंबर ऑफ वेज इन बोथ स्टूडेंट्स आर इन सेम सेक्शन। अगर हम इस टाइप से बनाएंगे तो वो स्टूडेंट क्या रहेंगे भाई? हम करते हैं 100C। देखो पहले वाले के लिए आना चाहिए था 100C 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 40, क्योंकि हमने 100 में से 40 स्टूडेंट लिए थे, 100C 40 होना चाहिए। और दूसरे वाले पार्ट के लिए होना चाहिए, चलो अलग अलग ही लिख देते हैं इनको, यस सर आना चाहिए 100C 100C60। 100 C 60 सर 100 C 60 नहीं 100 C 60 बट क्या है कि 100C 60 और 100C 40 का आंसर सेम ही होता है। आप इसको सिंप्लीफाई करोगे अच्छा कि हाँ आएगा हाँ 40 into 60 factorial। दूसरे वाले को सिंप्लीफाई करेंगे तो 100 factorial upon 60 अपॉन factorial 60 इंटू 40 फैक्टर
बराबर ही होते हैं, दोनों तो को रिप्लेस कर दें हम, और एलसीएम क्या आ जाएगा, 100 सी 40 एलसीएम आ जाएगा, समझे या नहीं समझे? प्रोबेबिलिटी यस सर, दैट बोथ आर इन सेम सेक्शन, सर 2C2 भी तो बनी हो गया, तो 98 नाइन 8 2C21 होता है, इसको छोड़ सकते हैं, यस सर, तुम्हारे पास बचेगा 98C38, प्लस 98C58। हाँ 100C40, यस सर, क्या आ जाएगा? इसको सिंपलीफाई करना पड़ेगा। हाँ, इसको सिंपलीफाई करना पड़ेगा, 98C38, 98 फैक्टोरियल अपॉन 38 फैक्टोरियल, माइनस करेंगे तो क्या बचेगा? सर 38 और 60। प्लस 98 फैक्टोरियल अपॉन 58 फैक्टोरियल इनटू 40 यस सर, अपॉन 100 फैक्टोरियल अपॉन 40 फैक्टोरियल इनटू 60 फैक्टोरियल, ठीक है? अच्छा, ऊपर से मैं 98 फैक्टोरियल कॉमन ले रहा हूँ, सब 40 60 कटने जाएंगे। मैं 31 मिनट हो बेटे, 38 फैक्टोरियल भी कॉमन ले रहा हूँ ऊपर से, और 58 फैक्टोरियल भी ऊपर से, ये 98 कॉमन चला गया, 1 बचा, 38 कॉमन चला गया, इस 60 को मैं लिखूंगा 60 इंटू 59 इंटू 58, जिसमें से 58 कॉमन अच जा चुका है, प्लस 98 कॉमन चला गया, 58 कॉमन चला गया, 40 को मैं लिखूंगा 40 इंटू 39 इंटू 38, जिसमें से 38 कॉमन निकाल लिया है, ठीक है? समझ आया ये यस सर, युविका आपको? यस सर, अपॉन, अच्छा 100, इस 100 को मैं लिख रहा हूँ 100 इंटू 99 इंटू 98 फैक्टोरियल, अपॉन अपॉन 40 फैक्टोरियल, 40 फैक्टोरियल मैं तो लिख रहा हूँ 40 इंटू 39 इंटू 38 फैक्टोरियल, ठीक है? इंटू 60 को मैं लिख रहा हूँ 60 इंटू 59 इंटू 58 फैक्टोरियल, ये समझ आया? 38 से 38 कैंसिल, 58 से 58 कैंसिल, ठीक है? 98 से 98 कैंसिल, राइट? तो ये आ गया 40 इंटू 39 प्लस 60 इंटू 59 अपॉन 60 इंटू 59 इंटू 40 इंटू 39 इंटू, ये क्या बन जाएगा? 40 इंटू 39 इंटू 60 इंटू 59 अपॉन 100 इंटू 99, ये बनेगा या नहीं? यस सर, 60 से 60 को कट कर दो, 59 से 59 को कट कर दो, 40 39 से इनको कट कर दो, 10 यहाँ से, 10 यहाँ से 100 को कट कर दो, क्या बचा? सो 156 प्लस 356। 156 +356, 512।156 नो नो 18, कुछ थोड़ा अलग सा नहीं आ गया? मैंने कुछ मिस्टेक करी क्या? सर अच्छा, आपने 4 इंटू 1 मिनट, अच्छा ये 60 नहीं है, 0 कट गया। 156 प्लस 510/99 नहीं होना चाहिए। एक मिनट बेटे, कुछ तो गड़बड़ हुआ,
इंटू 99 था, 40 इंटू 39, 60 इंटू 59 अपॉन, तो ये था 40 इंटू 39 प्लस 60 इंटू 59। अच्छा यहाँ गलत किया ना, ये 100 से 0 0 काट दिया, ये तो बीच में प्लस था, यस एक जीरो कट सकता है 40 का, और ये कॉमन निकाल के एक जीरो कटेगा, 990 बचेगा नीचे, ऊपर आएगा 4 इंटू 39 प्लस 6 इंटू 59, करो इसको मल्टीप्लाई,